ओके हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रसल चैटर। तो गाइस, आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं आज ही मंडे नाइट रॉ के बारे में, जिसमें कह सकता हूँ काफी हद तक एंटरटेनिंग रही। यहाँ हमने देखे दो जबरदस्त फाइटल फोर मैच, जो कि थे मेंस एंड वुमेन्स लैडर में पार्टिसिपेट करने वाले सुपरस्टार्स के बीच। इसके अलावा हमने सेथ रॉलिंस एंड एलाया, साथ साथ जिंदर महाल एंड रोमन रेंस के बीच भी काफी कुछ देखा। तो इस एपिसोड में कवर करेंगे वो सारी चीजें जो आज हमें देखने को मिली मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में। तो देर किस बात की, शुरू करते हैं शो की शुरुआत में। सबसे पहले हमें रॉ के वो सभी सुपरस्टार देखने को मिलते हैं जो कि मेंस एंड वुमेन्स लैडर मैच में पार्टिसिपेट करने वाले। वहां पर लैडर रखी होती है और सभी सुपरस्टार लैडर पर चढ़े होते हैं, जिसके बाद कर्ट एंगल का म्यूजिक प्ले होता है। कर्ट एंगल आते हैं और वो बताते हैं कि इस संडे हमें मनी इन द बैंक पे पर व्यू देखने को मिलेगा, जिसके बाद बैरन कॉर्बिन भी आते हैं अपने थीम सॉन्ग के साथ। और वहां पर हमें बैरन कॉर्बिन का इस बार न्यू लुक भी देखने को मिलता है, और बैरन कॉर्बिन यहां पर कहते हैं कि वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं स्टेफनी मैकमैन को। जिसके बाद ये जो सेगमेंट था वो इसलिए बुक किया गया था क्योंकि यहां पर काफी बहस हमें देखने को मिलती है रॉ के सुपरस्टार्स के बीच, जो कि पार्टिसिपेट करने वाले लैडर मैच में। हर कोई दावेदारी ठोकता है कि वो जीतने वाला है इस बार अपना लैडर मैच। और यहां पर हमें कुछ फनी भी देखने को मिलता है जब एलेक्सा ब्लिस चिल्लाती है सबकी बहस पर, और एंड में यहाँ पर ब्रॉन स्ट्रोमैन कहते हैं समवन विल गेट दीस हैंड्स, और उसके बाद स्ट्रोमैन का म्यूजिक प्ले होता है और ये वाला सेगमेंट यहाँ पर खत्म हो जाता है। जिसके ठीक बाद हमें देखने को मिलता है फैटल फोर पे मैच, जो कि था नटालिया वर्सेस एम्बर मून वर्सेस साशा बैंक्स वर्सेस एलेक्सा ब्लिस के बीच। कहना होगा काफी जबरदस्त मैच यहाँ पर था, चारों सुपरस्टार की जबरदस्त परफॉर्मेंस थी, और जो एंड था वो कुछ इस तरह से होता है जब नटालिया लगाती है अपना सबमिशन मूव और इस पर नटालिया की जीत हो जाती है जब एलेक्सा ब्लिस टैप आउट करती है, और काफी बड़ी जीत यहाँ पर हमें इसे नटालिया की कहनी होगी। जिसके बाद हमें देखने को मिलता है एक टैग टीम मैच, जो कि था ब्रिजेंगो वर्सेस डॉल्फ ज़िगलर एंड ड्रू मैकइंटायर के बीच। काफी जबरदस्त यहां पर भी ज़िगलर एंड ड्रू मैकइंटायर देखने को मिले, और काफी आसानी से उन्होंने इस मैच में ब्रिजेंगो को हरा दिया। और मैच खत्म होने के बाद उन्होंने एक जबरदस्त प्रोमो भी कट किया, जिसके बाद हमें देखने को मिलता है जिंदर महाल का सेगमेंट, जहां जिंदर महाल आते हैं वो कहते हैं कि किस तरह से, पहले तो रोमन रेंस की बात करते हैं कि भले ही रोमन रेंस अपने आप को बड़ा मानते हैं, उन्होंने काफी सारे मेन इवेंट कर लिए हो, लेकिन मेरे सामने वो कुछ भी नहीं है। और जब रोमन रेंस का म्यूजिक प्ले होता है वह रिंग में आते हैं, तो उसके बाद जिंदर महाल थोड़ा सा पीछे हटने लग जाते हैं। वो कहते हैं कि मैंने रोमन रेंस को चैलेंज किया, लेकिन मैंने ये नहीं कहा कि मैं रोमन रेंस को फेस करूंगा। और यहां पर जिंदर महाल कुछ इस तरीके से कहते हैं कि जैसे कि वो द ग्रेट खली को अनाउंस करने वाले हैं कि वो फेस करेंगे रोमन रेंस को, लेकिन एंड में पता चलता है कि सुनील सिंह फेस करने वाले हैं रोमन रेंस को, और मैच स्टार्ट होता है और कब खत्म हो जाता है पता नहीं चला, क्योंकि रोमन रेंस ने सुपरमैन पंच और स्पीयर लगाकर सुनील को इस मैच में काफी आसानी से हरा दिया। लेकिन मैच खत्म होते ही शायद जैसे ही तीन बेल हुई, उसके बाद तुरंत ही आकर जिंदर महाल अटैक कर देते हैं रोमन रेंस के ऊपर, और वो उन्हें लगा देते हैं अपना फिनिशर खल्लास। और कह सकते हैं कि एंड में जो है वो हमें जिंदर महाल थोड़े से भारी पड़ते हुए दिखा दे, क्योंकि उन्होंने रोमन रेंस के ऊपर पीछे से अटैक किया। जिसके बाद हमें देखने को मिलता है एक और टैग टीम मैच, जो कि था हीथ स्लेटर एंड रायनो वर्सेस द बी टीम के बीच। और जैसे कि आप लोग जानते हैं बी टीम को काफी जबरदस्त पुश मिल रहा है, और इसी के चलते एक बार फिर से इस मैच में बी टीम ने हासिल करी जीत। और उसके बाद हमें यहाँ पर मैट हार्डी एंड ब्रे वायट भी देखने को मिलते हैं, क्योंकि हमें मैच देखने को मिलेगा मनी इन द बैंक में इन दोनों टैग टीम्स के बीच रॉकी टैग टीम चैंपियनशिप के लिए। इसके बाद हमें एलायस का गाना बजाने का सेगमेंट देखने को मिलता है, और जब उनका सेगमेंट खत्म होता है या इंटरप्ट करते हैं सेथ रॉलिंस आकर, और सेथ रॉलिंस काफी गुस्से में दिखा देते हैं, वो तुरंत रिंग में एंटर करते हैं और इसके बाद वो एलायस को वहां से मारकर भगा देते हैं, या फिर मैं कहूंगा एलायस वहां से भाग जाते हैं। लेकिन फिर भी एलायस का एक बहुत ही स्पेशल गिटार रखा होता है रिंग के बीचों बीच। पहले तो सेथ रॉलिंस थोड़ा ड्रामा करते हैं, मैं इसे तोड़ दूंगा फोड़ दूंगा, और एलायस भी काफी ज्यादा डरे हुए होते हैं। और उसके बाद जो सेथ रॉलिंस है अपना फिनिशिंग मूव लगा देते हैं गिटार के ऊपर, जिसके बाद एलायस के जो चेहरे हैं वो उड़ जाते हैं, और इस बात का उन्हें यहां पर काफी ज्यादा बुरा लगता है। इसके बाद हमें देखने को मिलता है एक सिंगल्स मैच, जो कि था बेली वर्सेस रूबी रायट के बीच, जहां पर रिंग साइड पर द रायट स्क्वाड भी मौजूद होता है, और इस मैच में पिनफॉल के जरिए जीत हमें देखने को मिलती है रूबी रायट की। इसके बाद हमें देखने को मिलता है फेस ऑफ, जो कि था रोंडा राउजी एंड नाया जैक्स का, जहां बीच में जोनाथन कोचमैन बैठे होते हैं। दोनों सुपरस्टार अपनी दावेदारी रखते हैं कि वो क्यों जीतने वाले हैं। नाया जैक्स थोड़ी डिसरिस्पेक्ट करती है रोंडा राउजी की, तुम भले ही तुमने कुछ भी उखाड़ लिया, तुमने ये कर लिया वो कर लिया, लेकिन फिर भी मैं ही जीतने वाली हूँ रॉ का जो चैंपियनशिप मैच होने वाला है एट मनी इन द बैंक। इसके बाद रोंडा राउजी भी कहती है कि वो अपनी सारी अचीवमेंट गिनाती है कि उन्होंने क्या क्या अचीव कर रखा है, और इसके बाद यहाँ पर रोंडा राउजी थोड़ा सा गुस्से में आ जाती है, और इसके बाद दोनों ही सुपरस्टार आपस में भिड़ जाती हैं, और नाया जैक्स एंड रोंडा राउजी को हम देखते हैं कि काफी ट्राई करती है रोंडा राउजी की वो आम बार अपना सबमिशन मूव लगाएं, लेकिन कुछ टाइम तक तो नाया जैक्स रोक कर रखती है, लेकिन फिर एक मूवमेंट पर नाया जैक्स से नहीं संभलता और रोंडा राउजी का आम बार लग जाता है, जिस पर कर देती है नाया जैक्स टैप आउट। वैसे देखकर लग रहा था कि यहाँ पर नाया जैक्स को कुछ भी नहीं हो रहा, बट जो भी हो डब्ल्यू डब्ल्यू की स्टोर लाइन है, और इसके बाद नाया जैक्स यहाँ पर टैप आउट कर देती है। और इस सेगमेंट में हमें रोंडा राउजी का जो पलड़ा है वो काफी ज्यादा भारी देखने को मिलता है। जिसके बाद हमें देखने को मिलता है नो वे होजे वर्सेस कर्ट हॉकिंस के बीच मैच, और जब कर्ट हॉकिंस का थीम सॉन्ग प्ले होता है काफी टाइम तक वो निकल कर नहीं आते, लेकिन वो पीछे से निकल कर आते हैं और झटके से अटैक करने की कोशिश करते हैं नो वे होजे के ऊपर, बट फिर भी कर्ट हॉकिंस यहाँ पर कुछ भी नहीं होता, और इस मैच में एक बार फिर से नो वे होजे जीत जाते हैं, और कर्ट हॉकिंस की जो लूजिंग स्ट्रीक है वो यहाँ पर भी कंटिन्यू रही। इसके बाद हमें देखने को मिलता है ऐसा सेगमेंट जो कि
क्या बोलूं मैं इस बारे में, मतलब तालियां होनी चाहिए जिसने भी ऐसा सेगमेंट बुक किया, वो था बॉबी लैशली एंड सैमी ज़ेन का। पता नहीं WWE जहां दिमाग लगाना चाहिए वहां तो लगाते नहीं, पता नहीं कैसी क्रिएटिव टीम है, क्या सेगमेंट था यहां पर, पता नहीं क्या ऑब्स्टेकल होते हैं, पता नहीं क्या आर्मी टेस्ट दे रहे थे यहां पर बॉबी लैशली, जो भी कुछ यहां पर था अगर आपने देखा होगा तो आपको पता था कैसा था, कितना बुरा था। यहां पर बॉबी लैशली ने अपना जो टेस्ट है वो पास कर लिया, उसके बाद तुरंत बाद सैमी ज़ेन आकर बॉबी लैशली के ऊपर पीछे से अटैक करते हैं और एंड में अपना फिनिशिंग मूव भी लगाते हैं। तो देखकर लग रहा है यहां पर सैमी ज़ेन को भले ही थोड़ा सा तगड़ा दिखाया जा रहा है, लेकिन भैया बॉबी लैशली की बेइज्जती क्यों हो रही है यहां पे, मेरी ये बात समझ के बाहर है। मुझे तो ओवरऑल एक काफी बुरा सेगमेंट लगा, जिसके बाद हमें देखने को मिलता है शो का मेन इवेंट मैच, और वाकई में मेन इवेंट कहने के लायक है ये। जैसे कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में कहा, दोनों ही फाइटल फोर में मैचेस काफी जबरदस्त थे, तो वुमेन्स का फाइटल फोर में तो काफी अच्छा था और जो मेंस का था वो और ज्यादा जबरदस्त था, जो कि था बॉबी रूड वर्सेस फिन बैलर वर्सेस केविन ओवेंस वर्सेस ब्रॉन स्ट्रोमैन के बीच, और काफी जबरदस्त मैच था। लैडर का यूज हमने ये भी देखा एक मोमेंट पर कि केविन ओवेंस जो है लैडर के टॉप से टेबल के ऊपर जब ब्रॉन स्ट्रोमैन लेटे होते हैं तो उनके ऊपर कूद जाते हैं, जिसके बाद ब्रॉन स्ट्रोमैन का तो पता ही साफ हो जाता है पूरे मैच से, और केविन ओवेंस भी काफी टाइम से मैच के लिए बाहर रहते हैं। और हमें मैच देखने को मिलता है एक तरह से सिंगल्स मैच, जो कि देखने को मिल रहा था बॉबी रूड वर्सेस फिन बैलर के बीच, लेकिन बाद में आकर केविन ओवेंस एंड ब्रॉन स्ट्रोमैन भी आते हैं। काफी लंबा मैच हमें देखने को मिला, बारी बारी से हर कोई सुपरस्टार ब्रॉन स्ट्रोमैन के ऊपर अपना फिनिशिंग मूव लगाता है, पिन करने की कोशिश करता है, लेकिन हर कोई बाद में आकर रोक देता है। और एंड में हम देखते हैं कि लैडर रखते हैं ब्रॉन स्ट्रोमैन रिंग के बीचों बीच और वो केविन ओवेंस को उठाते हैं, अपना रनिंग पावर से लगाते हैं और पिन करके इस तरह से वो केविन ओवेंस को यहाँ पर पिन करते हैं और इस बड़े फैटल फोर वे मैच में भी ब्रॉन स्ट्रोमैन जीत हासिल करते हैं। तो गाइस ये थी वो सारी चीज जो आज हमें देखने को मिली मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में। आई होप आपने रॉ के साथ साथ हमारे इस वीडियो को भी काफी एंजॉय किया होगा, तो जल्दी से कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, कमेंट करके आप मुझे बताना कि आज की मंडे नाइट रॉ आपको कैसी लगी और 5 स्टार में से आप इसे कितने स्टार की रेटिंग देना पसंद करेंगे। इसके अलावा आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ उस बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारे चैनल पर इसी तरह से WWE की अपडेट्स, न्यूज़, रूमर्स और कुछ इंटरेस्टिंग बातें जानने को मिलती रहे। सो सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।